नमस्कार, मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पे यानी करिश्मा कौशिक पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, टैरो कार्ड रीडर हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट, फार्मिस्ट्री और साथ ही साथ वास्तु कंसल्टेंट। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर विषय पर जानना चाहते हैं ज्योतिष के अनुसार या कोई भी अन्य विषय पर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना वो विषय। आज हम बात करेंगे मोती शंख की। आप देखिए, हर प्रकार के शंख होते हैं, यानी तीन प्रकार के शंख होते हैं, और ये जो तीन अलग अलग प्रकार होते हैं शंख के, एक होता है दक्षिणावर्ती शंख, एक होता है मध्यमावर्ती शंख और तीसरा होता है वामावर्ती शंख। अब इन तीन प्रकारों के जो शंख होते हैं, इसके अंदर ही हर एक प्रकार के शंख होते हैं। तो इस चीज को अगर देखा जाए कि शंख जो है क्या, तो देखिए, शंख जो होता है हमें समुद्र के पानी से, समुद्र में मिलता है, और शंख जो होता है इतना अधिक पवित्र माना जाता है कि ये हर तरह की पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे वो भगवान विष्णु जी की पूजा है, चाहे वो भगवान कृष्ण जी की पूजा है, चाहे माता लक्ष्मी जी की पूजा है, या अन्य देवी देवताओं की पूजा में शंख का प्रयोग जरूर किया जाता है। इसके साथ साथ तंत्र विद्या में भी शंख का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मगर आज हम बात करेंगे मोती शंख की। मोती शंख से आप चंद्र ग्रह जो चंद्र दोष है वो कैसे समाप्त कर सकते हैं चंद्र ग्रह से संबंधित। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आपको मानसिक तनाव है या किसी अन्य प्रकार की मानसिक पीड़ा है तो इससे आप यानी मोती शंख से ये सभी तरह की परेशानियां किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं, इसी विषय में बात करेंगे और साथ ही साथ मोती शंख के लाभ भी जानेंगे। तो देखिए, मोती जो होता है एक तरह से चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, यानी अगर हम नव ग्रहों में 9 जेमस्टोन्स की बात करें तो मोती जो होता है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सीधा मून से होता है, और इसी तरह से जो मोती शंख होता है उसका कनेक्शन भी सीधा सीधा चंद्रमा से माना जाता है। तो अगर आपको चंद्र ग्रह अपना बलि करना है, प्रबल करना है, तो इसके लिए आपको मोती शंख से पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाएगा। अब मोती शंख जो है ये एक तरह से धन लक्ष्मी का भी कारक माना जाता है। यदि आप मोती शंख की पूजा आराधना नियमित रूप से अपने घर में करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो समाप्त होती हैं। इसके अलावा कोई अन्य तरह की परेशानी या ग्रह कलेश या वास्तु दोष होता है वो भी समाप्त होता है, क्योंकि मोती शंख जो है एक तरह से देखा जाए तो लक्ष्मी जी का भी कारक माना जाता है। वहीं पे आपको किस तरह से मोती शंख की पूजा आराधना करनी है और किस तरह से आपको इसका प्रयोग करना है इस विषय में भी जान लेते हैं। तो देखिए, मोती शंख यदि आप एक तांबे के या पीतल के बड़े पात्र में जल भर करके और इसमें मोती शंख रख करके इसको उत्तर पूर्वी दिशा में यानी ईशान कोण में रखते हैं तो आपके जीवन में धन समृद्धि सुख संपत्ति प्राप्त होती है, साथ ही साथ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पे बना रहता है। वहीं पे अगर आप मोती शंख को लाल कपड़े में उत्तर पूर्वी दिशा में रखते हैं और इसकी नियमित रूप से पूजा आराधना करते हैं, कुमकुम अक्षत इसमें आप इसका तिलक करते हैं कुमकुम और अक्षत का, तो कहीं ना कहीं आपके जो घर में ग्रह कलेश या नकारात्मकता है वो समाप्त होती है। इसके अलावा अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, आप देखिए चंद्रमा को कैसे अर्घ देंगे, कोई भी आप पात्र लीजिए, बड़ा पात्र, उसमें मोती शंख रखिए। अब उस मोती शंख से आप उसके ऊपर, मोती शंख के ऊपर दूध और जल उस पात्र में भर लीजिए, यानी जो जल और दूध आपने पात्र में भरा हुआ है उसमें मोती शंख रखा रहने दीजिए। अब इसके बाद मोती शंख उठा करके आप पूजा के स्थल पे या कहीं अन्य जो सेफ साइड हो वहां पर रखें और इस जल से आप चंद्रमा को अर्घ दें हर पूर्णिमा तिथि पर। ऐसा करने से आपका जो डिप्रेशन है, आपके अंदर जो तनाव है, एंजाइटी है, वो चीजें जो है समाप्त होंगी, और इसके साथ साथ आपका जो चंद्रमा
ग्रह है आपकी कुंडली में वो भी प्रबल होगा। अब चंद्रमा जो है वो भी एक तरह से लक्ष्मी का कारक माना जाता है, हमारे मन का कारक माना जाता है, धन संपत्ति का कारक माना जाता है। तो ये सब चीजें जो है चंद्रमा से संबंधित ये आपकी प्रबल होंगी। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि चंद्रमा से संबंधित कोई अन्य परेशानी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मोती शंख एक सफेद वस्त्र में बांध करके किसी भी पवित्र नदी में सोमवार के दिन प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपका जो चंद्रमा है वो बलि होगा और चंद्रमा से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित कोई दोष होगा तो वो भी समाप्त होगा। तो ये कुछ खास चीजें हैं मोती शंख से जुड़ी हुई जो आप अपने घर में कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में धन धान्य की कमी ना हो और साथ ही साथ आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। एक चीज आप सभी को मैं टिप के तौर पे बताना चाहूंगी कि शंख से कभी भी भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इसीलिए आप शंख से, अगर मोती शंख से पूजा करते हैं तो केवल चंद्रमा की करें, भगवान शिव की ना करें, इस चीज का आप ध्यान रख करके चले। और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल अपने यूट्यूब चैनल पे। देखते रहिए करिश्मा कौशिक को, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करें इस चैनल को और अपना प्यार मुझे भेजते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार नमस्कार, जय श्री राधे।